हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दही से आपने बहुत तरीके की रेसिपी बनाई होंगी, लस्सी बनाया होगा, रायते बनाए होंगे, सब्जी में डाला होगा, दही भल्ले बनाए होंगे, लेकिन दही की मिठाई आपने नहीं बनाई होगी। तो आज मैं मुंह में घुल जाने वाली नरम मुलायम दही की स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम घर में पड़े कुछ ही सामानों से बनाकर झटपट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप दूध डालेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में आता हो। अब हाई फ्लेम पर हम दूध को उबलने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं और ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। 1/2 कप चीनी डालेंगे और चीनी के पिघलने तक इसे हम इस तरह से थोड़ा चलाएंगे, जिससे कि चीनी तले में बैठे नहीं, और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। चीनी पिघल चुकी है, जिसके वजह से दूध का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। हमें इसे इस तरह से चलाते हुए दूध को गाढ़ा करना है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, जिससे दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए दूध काफ़ी पहले से गाढ़ा हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क बना रहे हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस वक्त आप इस पे 1 चुटकी मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल दीजिए। अब हाई फ्लेम पे इसे इस तरह से हम लगातार चलाते हुए और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और लीजिए, दूध पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। आप अगर इसे कंडेंस मिल्क को घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो बाहर का जो मिल्क मेड आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हमने एक प्याले में निकाल लिया। अभी काफ़ी गर्म है तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 कप ताजी दही ली है। दही ताजी और गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने खट्टा दही का इस्तेमाल कर लिया तो फिर मिठाई में भी खटास आ जाएगी, इसलिए आपको ताज़ा दही का ही इस्तेमाल करना है और दही गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास गाढ़ी दही नहीं है, पतली दही है, तो आप उसे किसी कपड़े पे थोड़ी देर के लिए डालकर रख दीजिए, जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और आपको गाढ़ी दही मिल जाएगी। और एक विस्कर की मदद से हम इसे इस तरह से दही को थोड़ा फेंट लेंगे, जिससे दही के अंदर का जो भी लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और दही हमारी स्मूथ हो जाएगी। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। मिठाई में अच्छा सा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। 1 चुटकी भर येलो फूड कलर डाल रहे हैं। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे सफ़ेद भी रख सकते हैं इस मिठाई को बिना किसी फूड कलर डाले, या फिर आप 1 चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, उससे भी मिठाई में अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे जो हमने बना के रखा था। ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, ठंडे हो जाने के बाद ही हमें इसे डालना है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप इस बैटर को एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा। मैंने इसे टेस्ट किया, मुझे थोड़ा फीका लगा, इसलिए मैं यहाँ पर पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। आप भी अपने स्वाद के हिसाब से इसे टेस्ट करके आप पीसी हुई चीनी मिला सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे एक पैन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, जिससे कि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए, और इसे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। मिक्सचर पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, हमें इसे और गाढ़ा करना है, क्योंकि हम इससे मिठाई बनाने वाले हैं। तो इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए और पकाना है। इस आसान सी और कम सामान से बनने वाली मिठाई को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम डाल रहे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा, इससे मिठाई का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। अब इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये डो के रूप में ना आ जाए। मिक्सचर हमारा डो के रूप में आ गया है, ये पैन को भी छोड़ने लगा है। इसका मतलब है कि मिठाई बनाने के लिए परफेक्ट है। मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उंगलियों के बीच में इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, गोल बन रहा है। इसका मतलब है कि मिक्सचर परफेक्ट है। मिक्सचर को हमने एक प्लेट में निकाल दिया है, अभी काफ़ी गर्म है तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद इसे हम इस तरह से थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेंगे।
थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और ये देखिए मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे से टूट रहा है। तो जितना बड़ा मिठाई आपको चाहिए उस हिसाब से आप पोर्शन को ले लीजिए डो को, और इस तरह से गोल घुमाते हुए मैं इसे पेड़े का शेप दे रही हूँ। आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इस मिठाई को बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। और इस तरीके से हम इसे पेड़ा का शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे और इसे बारीक कटे हुए पिस्ता से मैं गार्निश कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने मनचाहे किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं। और मैंने मिठाई को कागज़ वाली कटोरी में रख दिया है जिससे ये और भी सुंदर दिख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।